नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गल शहीद पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोपी को धर दबोचा, 20 से 25 हजार रुपए और दो चाकू बरामद। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमा का अनावरण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से संपन्न। और बामसिप का 40वां तथा भारत मुक्ति मोर्चा का 13वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन, 55 संवेदनशील विषयों पर देशभर के विशेषज्ञ रखेंगे अपनी राय। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना गल शहीद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। थाना गल शहीद पुलिस ने अलग अलग जगह से मोबाइल चोरी कर फरार होने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इन दोनों अभियुक्त के पास से पुलिस ने 4 फोन जिनकी कीमत लगभग 20 से 25 हजार रुपए और 2 चाकू बरामद किए हैं। आपको बता दें कि यह अलग अलग जगह पर लोगों की नजर बचाते हुए मोबाइल चुरा लिया करते थे और उन्हें भेज दिया करते थे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए फरमान हुसैन, मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि किसानों को दी जा रही फ्री बिजली, प्रदेश के अंदर जितने भी निजी ट्यूबवेल लगाए गए हैं उनको हम फ्री बिजली देने का काम कर रहे हैं। डीजल से चलने वाले जितने भी ट्यूबवेल हैं उनको हम सोलर पैनल देकर डीजल की बचत करने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कहा कि हम किसानों के लिए हमेशा आगे बढ़कर काम किया करते हैं। आगे भी अन्य ऐसी योजनाएँ लेंगे जिसमें किसानों को बड़ा फायदा मिले, हम आगे बढ़कर काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाने वाले एक संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और कहा कि संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। माननीय योगी जी का स्वागत करें, तेज आवाज के साथ बोलो बीजेपी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी का मंच पर आगमन हो चुका है, कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरिश्वर महोदय की अगुवाई में हम सब अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहे हैं। सब हृदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने हाथों से बना हुआ चित्र भेंट कर रही है। आपकी बच्ची है, आपकी तालियों की कलाकार है, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए फरमान हुसैन, मुरादाबाद। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन व निर्माण पेशे से संबंधित ठेकेदारों, मजदूरों और अन्य लोगों की समस्याओं को सुलझाने और उन्हें उचित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई अकोला निर्माण ठेकेदार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें शहर के एक निजी होटल में ठेकेदार की एक सभा बुलाई गई। महानगर पालिका के पूर्व विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान, पूर्व नगर सेवक इरफान खान और कपिल रामदेव की मौजूदगी में यह सभा संपन्न हुई। वोटिंग के जरिए संगठन के अधिकारियों पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर मोहम्मद तौफीक ठेकेदार चुने गए, जबकि सचिव के रूप में मोहम्मद रफीक ठेकेदार ने बाजी मारी। आपको बता दें कि बांधकाम और कंस्ट्रक्शन से संबंधित लोगों की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया गया है। संगठन के अनुसार बांधकाम क्षेत्र में ठेकेदारों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे निर्माण कार्य के रेट तय करने, मटेरियल की सप्लाई आदि मुद्दे अहम हैं। इसी के साथ काम करने वाले मजदूरों को भी न्याय दिलाना इस संगठन का काम है। शामिल करने के लिए जो आप लोगों ने कोशिश की है, मुझे इतने बड़े प्रोग्राम का, इतने बड़े बड़े ठेकेदारों के प्रोग्राम का मुझे चीफ गेस्ट बनाया, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबका मंच पर बैठे यहाँ पे सभी लोग, मैं सभी के नाम नहीं लेना चाहूँगा, और सामने बैठे पूरे ठेकेदार लोग, मैं आप सब लोगों से एक ही बात कहने आया हूँ कि यूनिटी बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग जमा शरीर इसलिए हैं कि हम लोग एक होना चाहते हैं,
और इंशाल्लाह ये एसोसिएशन काम करेगी और आप ही के बोलने के पूरे नियम तय होंगे और आप ही के मसले यहाँ हल किए जाएंगे। आप सब यहाँ ठेकेदार है, आप लोगों ने मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाया, इसके लिए मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, मैं अभी भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं दो दो बार शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आप सब ठेकेदार हैं लेकिन मैं आपके नीचे जो काम करते मजदूर, मैं उनका आदमी हूँ, मैं उनका प्रतिनिधि करके आपके बीच में आया। कोई मजदूर ये ना समझे कि सारे ठेकेदार जमा हो गए, हमारी बात किसने रखा नहीं, उसको बोलना डर मत, साजिद पठान यहाँ खड़ा है। मैं आज अकोला शहर के सभी ठेकेदार भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज अकोला के ठेकेदार लोगों की एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना है, अध्यक्ष चुना है और रफीक भाई को सचिव चुना है। मैं साथ ही अब सभी ठेकेदार भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि जिस यकीन के साथ आप लोगों ने हमको चुना है इस पद के लिए, आप लोगों के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह हल करने के लिए तैयार खड़े हैं आपके साथ, आपका साथ हमारे साथ रहेगा, हम इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा हैं। जो भी मसाइल रहेंगे हम इंशाल्लाह मिलजुल कर सारे मसले हल करेंगे। हमको हमारे ठेकेदार भाइयों ने अध्यक्ष और सचिव जो पद दिए आज यहाँ खड़े रहेंगे और इतना समय दिए हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आज इनके ये कारण के वजह से हमको इनके काम के लिए खड़ा उतरना पड़ना जरूरी है और इनका हर काम हम आसानी से करना चाहेंगे। अल्लाह ने चाहा ना तो हम यूनियन को हमारी इससे बड़ी यूनियन बनाएंगे और हर चीज़ की फैसिलिटी करेंगे हमारे मजदूरों के लिए, हमारे कारागिरों के लिए। और हम ये नहीं चाहेंगे तो कोई ठेकेदार का हमारा नुकसान हो, अगर उसका कहीं नुकसान होता तो हम पहले उसके बाद भागते हुए जाएंगे, चाहे रात हो या दिन हो, इसके लिए हमको कोई नहीं। और फिर एक बार मैं मेरे सब ठेकेदार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए मोहसिन खान अकोला। और खबर हिंदी बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। उत्तर दक्षिण नैवेद्यम रेस्टोरेंट अब आपके लिए नए अंदाज में। नैवेद्यम स्वाद ऐसा जो एक बार आए उनका दिल खाने बार बार ललचाए, जहां आपको मिलेगा भारत के हर कोने का स्वाद, वो भी एक ही छत के नीचे, साफ सफाई का विशेष ख्याल। तो देर किस बात की, आज ही आइए नैवेद्यम उत्तर दक्षिण और लीजिए एक बेहतरीन स्वाद सिर्फ नैवेद्यम के संग। हमारा पता प्रताप नगर चौक नागपुर और माउंट रोड सदर नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काड़े पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे अच्छा हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास दिघोरी नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824। अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत। अकोला शहर के पातूर रोड स्थित गंगानगर के परिसर में पश्चिम छोर पर शनिवार 23 दिसंबर से दीनी तलबीगी इज्तिमा का आगाज होने जा रहा है। 3 दिवसीय इज्तिमा में सुबह एवं दोपहर और शाम के अलावा रात तक बयान का दौर रहेगा। लगभग एक महीने से जारी इज्तिमा की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है, कहा जाए तो पूर्ण हो गई है। इसमें अकोला समेत अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना और यवतमाल जिले से 50,000 से अधिक मुस्लिमों के शामिल होने
होने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय गंगानगर के पश्चिमी छोर पर लगभग 160 एकड़ जमीन पर इज्तिमा गाह का भव्य मंडप बनाया गया है, जहां 50,000 से अधिक लोग एक साथ बैठने के अलावा नमाज तथा अन्य इबादत एक साथ अदा करते हैं। इस इज्तिमा में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन की दरगाह मार्ग पर स्थित तबलीगी जमात के जिम्मेदारों में शामिल होने की संभावना है। लगभग 5 सदस्यीय जिम्मेदारों का काफिला इज्तिमा में आने वाला है, जिसे ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गुलाम मोहसिन खान, अकोला। उर्स ए मुफ्ती आजम बरार के मुबारक अवसर पर एक रोज़ा अजीमोशान इस्लाहे मुशायरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन 26 दिसंबर को बाद नमाज असर से रात 10 बजे तक रखा गया। यह इज्तिमा नायगांव में से 7 नंबर स्कूल के सामने रखा गया, जिसमें हैदराबाद से शाम ए दक्कन खतीबे बेमिसाल हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब की विशेष उपस्थिति रहेगी तथा वह मुस्लिम समुदाय को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब के बयान सोशल मीडिया पर बड़े वायरल होते हैं, जिसे मुस्लिम समुदाय के नागरिक बड़ा पसंद करते हैं। अब उनके अकोला में आने से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति रहेगी, ऐसी संभावना दर्शाई जा रही है। यह कॉन्फ्रेंस मुफ्ती ए आजम अकोला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिजवानी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई है। उन्होंने अकोला वासियों से इस इज्तिमा में बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शाने का आह्वान किया है। इस इज्तिमा को सफल बनाने में मौलाना मोहम्मद यूनुस रजवी साहब, हाफिज व कारी साहिजिद अहमद नूरी, हाफिज व कारी दामाद मुफ्ती आजम बरार इस्माइल शाबी साहब आदि ने प्रयास किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि 26 दिसंबर बरोज मंगल बाद नमाज असर ता रात 10 बजे तक नायगांव अकोला की सरजमीन पर एक अजीमुशान सुन्नी इज्तिमा होने जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी, जो हैदराबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका खुसूसी बयान होगा। इलाक़े बरार के अतराफ और जवानिब से उलमाए किराम, खुतबाए किराम और मुबल्लिगीन इस्लाम तशरीफ़ ला रहे हैं। यह अजीमुशान सुन्नी इज्तिमा 26 दिसंबर को होने जा रहा है। आप तमाम हजरात, पूरे इलाक़े बरार से गुजारिश है कि आप तमाम इस सुन्नी इज्तिमा में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें और इज्तिमा को कामयाब करने की कोशिश करें। इसमें जो है अहमद नक्शबंदी साहब माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के मायनास खतीब हैं। आपका खिताब सुनने के लिए हर इंसान बेचैन होता है। आप तमाम हजरात हजरत के खिताब से को समात फरमा कर फैज़ व बरकात हासिल करें। निहायत ही तुज्क और एहतिशाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 26 दिसंबर बरोज मंगल बाद नमाज असर से इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनाम इस्लाह माशरा, जिसके अंदर मेहमान खसूसी आलमी शहरत याफ्ता खतीब शान दक्कन खतीब बे मिसाल हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि तमामी अहबाब अहले सुन्नत कसीर तादाद में इसके अंदर तशरीफ़ लाए और खूब सवाब दारे हासिल करें। ये अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के तर्जमान है और इंशाअल्लाह तबारक व ताला इमाम अहमद रज़ा के ऊपर जान व माल फिदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गुलाम मोहसिन, अकोला। बामसेप का विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन इस साल बामसेप का 40वां तथा भारत मुक्ति मोर्चा का 13वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन नागभूमि नागपुर में 24 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक लगातार 5 दिन होगा। इसमें लगभग 55 संवेदनशील विषयों पर देश भर से आए विशेषज्ञ अपनी राय रखेंगे। सभी सत्रों की अध्यक्षता वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप नई दिल्ली करेंगे। इस संबंध की जानकारी आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई है। 5 दिवसाचं आयोजित करण्यात आलेला आहे, 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें 55 विषयों पर चर्चा हो रही है। तमाम विषयों पर देश में चर्चा, जो ज्वलंत प्रश्न है उसके बारे में ये अधिवेशन में चर्चा होगी।
और इसके आधार पर जनवरी में 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा लेकर जाएगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। और इसी के साथ खबर हिंदी बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। ये देखो कितना सॉफ्ट है और साइंटिफिकली डिजाइन्ड भी है डीप स्लीप के लिए। लेकिन इसका प्राइस तो देखो, लगता है हमारे बजट में तो कोई लोकल वाला ही मिलेगा। स्ट्रेस फ्री का नाम सुना है? जी हाँ, स्ट्रेस फ्री मैट्रेस। अफोर्डेबल प्राइस और टॉप क्वालिटी में बनाया गया एक ऐसा मैट्रेस जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी सुपर सॉफ्ट फोम्स और मर्क्यूरी क्वालिटी आपके स्पाइन और जॉइंट्स को नेचुरल शेप में रखते हैं, साथ ही आपके बैक और शोल्डर्स को भी सपोर्ट करते हैं। दिन भर की थकान के बाद ये मैट्रेस आपको देती है एक चैन की नींद का एहसास और हर रोज आपको नए चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करती है। साइंटिफिकली बैक्ड, प्रीमियम क्वालिटी और सबसे इम्पोर्टेंट, किफायती दाम में एक रिलायबल मैट्रेस, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री मैट्रेस, रेस्ट योर बॉडी एंड सोल। अवेलेबल इन ऑल लीडिंग स्टोर्स नियर यू। फॉर बिजनेस इंक्वायरीज प्लीज कॉन्टैक्ट। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहां आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट, गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुरकेश्वर से चंद्रपुर ताड़ोबा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स, उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता, प्लॉट नंबर 16, शिवांगी नगर, हुरकेश्वर रोड, नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190।